रीवा जिले के क्योटी जलप्रपात में छलांग लगाने वाले युवक का तीसरे दिन शव बरामद हुआ है। एसडीआरएफ की मदद से पुलिस ने उसे बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सिरमौर थाने के क्योटी जलप्रपात में रजनीश यादव पिता महेश यादव 25 वर्षीय निवासी साहेबपुर थाना सिरमौर 3 दिन पहले घर से नाराज होकर निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। उसके क्योटी प्रपात में कूदने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर पुलिस एसडीआरएफ की मदद से उसकी सर्चिंग कर रही थी, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पाया। बुधवार की सुबह युवक का शव पानी में ऊपर आ गया और किनारे तरफ फंसा हुआ था। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम में पहुंची, जो कि करीब 30 फीट गहरे जलप्रपात से युवक के शव को बाहर निकलवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रस्सी के सहारे बांधकर युवक के शव को एसडीआरएफ की टीम ऊपर लेकर आई, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक पुलिस युवक के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वह घर से किसी बात को लेकर नाराज होकर निकला था और क्योटी में आकर यह आत्मघाती कदम उठा लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने मर्म कायम कर जांच करने की बात कही है। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।